नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। अब हम बात करने वाले हैं कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच लगातार चल रहे बेनतीजा बातचीत को लेकर। जी हां, लगातार बेनतीजा बातचीत इसलिए क्योंकि 11वें दौर की बातचीत भी आज विफल रही, कोई हल नहीं निकल पाया है। अब सरकार ने किसानों के लगभग सारी बातों को मान भी लिया और उन्हें ऑफर दिया गया कि हम 1.5 से 2 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं तो आने वाले दिन में कल परसों जब भी आपको लगे तब आप आके बातचीत कर सकते हैं, हम अब आपको किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऑफर नहीं देने वाले हैं। सरकार ने साफ किया कि 2 दर्जन से अधिक राज्यों के हितों को ताक पर रखकर हम सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों के हितों के लिए इस कानून को पूरे तरह से निरस्त नहीं कर सकते। जी हां, स्पष्ट है कि हरियाणा और पंजाब के किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें इन तीनों कानूनों को हटाने के अलावा कोई डिमांड नहीं है। इन तीनों कानूनों को खत्म करे सरकार, वापस ले सरकार, तभी हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल सख्त अपना वक्तव्य दे दिया है, अपना एक तरीके से आप कह सकते हैं पक्ष रख दिया है कि हम कानून को निरस्त नहीं करेंगे। हाँ, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून पर फिलहाल एक रोक लगा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, पहले सरकार ने कहा 1 से 1.5 साल तक रोक लगा देते हैं, इस पर आप अपना पक्ष रखिए कि इसमें क्या कमी है और क्या नहीं। अगर आपके पक्ष में दम होगा, अगर लगेगा कि हाँ इससे किसानों का वाकई में कोई नुकसान हो रहा है, तो उसे उस क्लॉज में सुधार किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस कानून को निरस्त कतई नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद एक ऐसा कानून आया है जो किसानों के हितों के लिए है, किसान के फायदे के लिए है, ग्रामीण किसान के फायदे के लिए है, एक्चुअल किसान के फायदे के लिए है, असली किसान के फायदे के लिए है, जमींदारों के फायदे के लिए। हो सकता है इस कानून में फायदा ना हो जमींदारों को, इस कानून से उसे फायदा ना हो जो बिचौलिए हैं, जो आढ़तिए हैं, जो जमाखोर अपने अनाज को पहले रख लेते हैं और बाद में ज़्यादा कीमत पर बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कानून हो सकता है फ़ायदेमंद नहीं हो। लेकिन जो वाकई गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, 2-3 बीघा ज़मीन वाले किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ से 5 एकड़ तक के ज़मीन वाले किसान हैं, उनके फ़ायदे के लिए ये बिल लाया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसान चाहे तो कल बातचीत के लिए दोबारा आ सकते हैं, हम 2 साल तक इस कानून को निरस्त करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए, बातचीत के जरिए इसमें जो भी संशोधन होता है वो प्रस्ताव आप दीजिए, 2 साल तक इस पर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ये कानून बना हुआ रहेगा और आगे लागू किया जाएगा, इसमें जो संशोधन की ज़रूरत है उस संशोधन को हम आगे लागू करेंगे। किसान बिल्कुल अडिग हैं, अरियल हैं, बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, एक भी मांग सरकार के तरफ से जो आया उस पर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। किसान एक बात पे अड़ा हुआ है कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है कि हम बातचीत का 12वां दौर तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक आप इस मुद्दे पर राजी नहीं हो जाते कि हाँ 1.5 साल या 2 साल जितने भी दिन होता है इतने दिन के निरस्त्रीकरण के बाद इस कानून पर चर्चा करेंगे। सरकार और किसान का जो समिति बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस समिति में अगर उस समिति द्वारा कोई भी कमी दिखा, अगर किसान कहता है कि इसका ये नुकसान है और वाकई में उसका वो नुकसान हो रहा होगा, तो उसे बदल दिया जाएगा, उसे उस क्लॉज पर बातचीत किया जाएगा, ना कि पूरे कानून को निरस्त्रीकरण पर। साफ है किसान के नेता जो हैं, चाहे राकेश टिकैत हो या जो भी किसान नेता हैं, सब ने वहाँ से अपना हाथ खड़ा करके निकलते हुए कहा कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करके सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यही है कि 26 जनवरी के नाम पर, ट्रैक्टर मार्च के नाम पर ये किसान
कब तक सरकार को धमकी देते रहेंगे? क्या वाकई ट्रैक्टर के रैली से सरकार को डराकर किसान अपने मांग को मनवा लेंगे? ये किसान वो हैं जो ट्रैक्टर के नाम पे, ट्रैक्टर रैली के नाम पर सरकार को धमका के चाहते हैं कि सरकार डर जाए और उनकी मांगों को मान लिया जाए। ये बिचौलिए जो दलाली करते हैं, दलाली खाने वाले जो लोग हैं, जो आढ़तिये हैं, जो छोटे किसानों का अनाज खरीदते हैं और बाद में बड़े बड़े कंपनियों को वो बेच देते हैं ऊंचे कीमत पर, ये वो लोग ये चाहते हैं कि सरकार इनसे डर जाए किसानों के नाम पे और अपनी मनमानी चला लें। लेकिन अब सरकार के समझ में आ गया है कि ये वो किसान नहीं है जो वाकई में गांव में फटे हाल रहते हैं, जिनके पैर में जूते नहीं होते, जिन्हें चलने के लिए साइकिल नहीं होता। लेकिन इन किसानों के पास BMW हैं, ऑडी हैं, मर्सिडीज हैं, ये बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनके मुताबिक कानून बन जाए। जबकि मोदी सरकार चाहती है कि कानून गरीब किसान, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बनाई जाए। जबकि पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान, आपको पता होगा कि ये उन्नत किसान हैं, ये किसानी नहीं करते हैं, ठेके पर अपने खेत को बिहार के मजदूरों को या यूपी के मजदूरों को दे देते हैं और ये लोग आराम से लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। इनके बच्चे या तो कनाडा में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं या फिर इंग्लैंड में पढ़ते हैं। कुछ जो छोटे सबसे गरीब किसान होंगे पंजाब और यूपी हरियाणा के, वो अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाते होंगे। असली किसान क्या होता है, अगर किसी को देखना हो तो वो यूपी के पश्चिमी यूपी में जाके देख लें, राजस्थान में जाके देख लें, बुंदेलखंड इलाके में जाके देख लें, बिहार में जाके देख लें या फिर आज पश्चिम बंगाल में सारा मीडिया का फोकस है, सारा मीडिया वाले वहाँ हैं, वहाँ के किसानों को जाके देख लें। उनके चेहरे को देखने के बाद आपका दिल रूह कांप उठेगा। उनके गाल अंदर दबे हुए होते हैं, पिचके हुए होते हैं, लेकिन इस मीटिंग में, ये जो वीडियो आप देखिए, इस मीटिंग में जितने भी ये सरदारी किसान हैं, सरदार पगड़ी बांध के जो किसान बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी किसान आपको नहीं दिखेगा जिनका गाल पिचका हुआ हो, तोंद जो पेट है वो अंदर धसा हुआ हो, ऐसा आपको एक भी इनमें से किसान नहीं दिखेगा। किसान वो है, आप देखिए इस वीडियो में, इस फोटो में इन किसानों का हालत देखिए, इनके आँख अंदर धसे हुए हैं, इनके पेट की आंत दिखाई नहीं देता, तोंद की बात ही छोड़ दीजिए। इनके गाल लगते हैं जैसे बरसों से इन्होंने अपने मुंह में हवा को वापस खींच रखा हो और इनका गाल ऐसे चिपका हुआ है। असली किसान ये हैं जो भूखे मर रहे हैं और ये जो यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, इन बॉर्डर पर आप जाके देख लीजिए, आपको एक भी ऐसे किसान नहीं मिलेंगे जिनके गाल चिपके हुए हो, जिनके पेट में अनाज ना हो, जिनका तोंद बाहर ना निकला हुआ हो, ऐसा आपको शायद ही कोई किसान मिल जाएगा। तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन या फिर ट्रैक्टर रैली के नाम से सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं, इनके डर से सरकार इस कानून को वापस लेने वाली है? लग नहीं रहा। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आपको जो भी करना है कीजिए, या आप बातचीत के लिए अगर तैयार हैं तो हमारे शर्तों पर आप कल आइए, हम 2 साल के लिए इस कानून को निरस्त करने के लिए तैयार हैं। होता क्या है ये कल या परसों तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही, आज 22 तारीख है और 2-3 दिन बाद ही 26 जनवरी होने वाला है और जिसका किसान सबसे ज़्यादा डर दिखा रहे हैं कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली करके हम एक तरह से सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे। 26 तारीख बीत जाएगा और किसानों का है तोबा भी खत्म हो जाएगा। देखना अब ये है कि सरकार और किसान का जो ये टकराव है किस मोड़ तक जाता है।
इस मोर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।